नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर में अपनी ताकत दिखाई है। चुनाव से पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। किसान हुंकार महारैली के जरिए हनुमान बेनीवाल ने आज अपनी ताकत दिखाई है। लाखों की भीड़ के बीच उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया है और वर्तमान सरकार के खिलाफ उन्होंने हमला बोला है। ये तस्वीरें हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम की। किसान हुंकार रैली माने कि आदरणीय हनुमान भाई साहब, पिछले 5 साल के संघर्ष के लिए हमारे लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और इस देश में, इस प्रदेश में जो अन्याय की सरकार है, आप हम लोग 5 साल से जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है और आज हमारी पार्टी घोषणा होगी, हमारे झंडे का ऐलान होगा। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह हनुमान भाई साहब का 5 हुंकार रैली में और हर जगह, हर समय और हर वक्त साथ किया, लेकिन मैं साथ देने का वक्त जो आ रहा है वो 40 दिन बाद है। आपको आज से ही जयपुर से ये संकल्प लेके जाना है कि हमें इस अन्याय की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेनीवाल आपके बीच में है। आज जयपुर का ये मीटी रोड मैदान राजस्थान के चप्पे चप्पे से आए हुए किसान और जो नौजवान शक्ति, क्या हम अपने लाल हनुमान के पीछे है और राजस्थान की राजनीति का नक्शा बदल करके रहेगा राजस्थान की सीएम की कुर्सी। और हम राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उस क्रांति के साक्षी बनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं आप लोगों का मित्रों, आप धैर्य रखें, ठीक 2 बजते ही भाई साहब शुभकामना। पहले हमारा वजन में कहता है मंत्रोच्चारण जहाँ हो जाता है वो हर चीज सुन कंधे पर रखना और उस पार्टी के नाम को अपने जुबान पर रखना। बड़े बड़े से बना रहे हुए मेरे किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, महिला और सभी साथियों का आदरणीय राजस्थान का नौजवान सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के राजस्थान में तीसरे मोर्चे के साथ सत्ता में आएगा। उस दिन का इंतजार पूरे देश भर की जनता को है। और देखिए, आपके लाड़ने के सिर पर मुकुट सज चुका है, चांदी का है, हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं। ये राजस्थान की जनता की भावनाएं आपके हनुमान के सिर पर, और इन भावनाओं की कदर आपका हनुमान करेगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान जी तुम संघर्ष करो।
नेता कैसा हो, नौजवानों का नेता कैसा हो, दलित पीड़ित घोषणा हो जाए और उसके बाद हमारे सारे सहयोगी वो सारे लोग जो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इस फैसला के साथ चलने के लिए तैयार है, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने जा रहा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपका लड़ना आपके कंधों पर डालने जा रहा है। दोस्तों इस चिन्ह का दिल में बिठा लेना, इस शब्द को जुबान पर सजा लेना, इस झंडे को अपने सिर पर उठा लेना। दोस्तों की राजनीति का नक्शा नहीं बदलता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में यहाँ के वोटर की आस्था है, यहाँ की जनता की आस्था है और वही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब राजस्थान बोतल हमारा चुनाव चिन्ह होगा और इसको पानी की बोतल तक ही सीमित रखना है। किसान ने राजनीति को देश दुनिया तक पहुंचाया, भाई जयंत सिंह चौधरी को आप मंच पर आए और उनके साथ भारत वाहिनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की राजनीति के चालक बैगम सिंह जी तिवारी को समाजवादी पार्टी से भैया अखिलेश जी का प्रतिनिधि